अस्सलाम वालेकुम। पहुंच गया है और ये देख इतना चॉकलेट चॉकलेट सा छोटू सी नाइफ यूज किए कर ली की थ्रेटर में कर करने के बाद की करने सो आटिंग कोटिंग सब कुछ हम पॉइंट देख रहे कितना डाली कितना स्वीट्स केक बोर्ड में बैंड किस रख देती हूँ हमारा टर्निंग टेबल होता है उस पर बनाना फिर फ्रिज में रखने में प्रॉब्लम होती है इसलिए मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है। और फ्रिज में मैं क्या करती हूँ बेंटो केक के जो केक होता है ना उसको ट्रांसफ़र करने से पहले थोड़ी देर फ्रिज में रखती हूँ इसीलिए मैं केक बोर्ड यूज़ करती हूँ। और एक एक केक बोर्ड यूज़ करके बनाकर फेंक तो सकते नहीं है ना इसलिए 2 से 3 बार यूज़ कर लेती हूँ। तो साइड से थोड़ा पेपर निकल गया है तो कोई बात नहीं क्योंकि उससे तो कोई मतलब नहीं क्योंकि ये तो हमारा केक जाने वाला है केक बेंटो बॉक्स में तो हमें इसे कोई मसला नहीं। और चॉकलेट क्रीम देख रहे हैं आप इसकी क्रीम बहुत ट्रफल वाली की केक के ऊपर क्योंकि छोटू सा केक और मुझे बहुत ही अच्छे से बना था छोटू बड़ू साले को तो बनाना अच्छे से है हमें ये छोटू छोटू सा केक जो हमारी टिफ़िन होती है ना लंच वाले टिफ़िन उसमें मैं बेक कर लेती हूँ क्योंकि छोटे छोटे से मोल्ड की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है उसमें इजीली आराम से बेक्ड हो जाता है। और फिर मैंने लगाई इस पर ट्रफल क्रीम और क्रीम लगाने के बाद हम थोड़ी सी कर लेंगे इसकी स्मूथिंग क्योंकि थोड़ी थोड़ी स्मूथिंग ज़रूरी होती है ताकि हमारा केक उबड़ खबड़ ऊपर नीचे बिल्कुल भी ना हो इसलिए अब लगा ली है मैंने इस केक के ऊपर लास्ट लेयर। इस केक का डिज़ाइन लुक सिंपल सा एकदम सिंपल बिल्कुल लेने वाले बिगनर्स के लिए तो बहुत ट्राई करना इसलिए कुछ भी मुझे ना थोड़ा सा बहुत ऐसा इस बेंटो केक पे जो लिखना होता है ना लेटर नेम मैसेज भी इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है कहीं ख़राब ना हो जाए क्योंकि जो हमारा फाइनल फिनिशिंग होता है उसके ऊपर कुछ ट्राई करना और फिर बनाना और कुछ बिगड़ जाए तो पूरा ख़राब हो जाता है इसलिए मुझे थोड़ा सा लगता है क्योंकि मुझे ईजी है मोल्ड में ना चॉकलेट मेल्ट के मोल्ड में अब अल्फ़ाबेट डाल सेट किए फिर उसके बाद बन गया हमारा और इजीली चिपका दो। और हाँ उसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइप के लिखे हुए नेम से पर बेंटो केक पे कैसा स्पेस कम होता है इसलिए हमें लिखना होता है नोज़ल से। और बेंटो केक पे मैंने जहाँ तक देखा है ना हैंडवर्क की सब बनाना हो कून बनाना हो या एवरीथिंग कुछ भी तो क्या है ना अच्छा लगता है वैसे बेंटो केक में कैसा थोड़ा सा ना स्पेशल टच ऐसा आर्टिफिशियल जैसा या फिर बोल वगैरह ये चीज़ें यूज़ नहीं होती ज़्यादातर इसीलिए मैंने भी लिख दिया था हाथ से। और देखिए इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है ना क्लाइंट ने कहा था उन्हें पर्पल कलर का बेंटो केक चाहिए मैंने कहा ठीक है बना देंगे। और फिर उसके बाद मैंने लग गई काम पर फटाफट और ये देखिए हमारा बेंटो केक कितना प्यारा कलर लग रहा है ना इसका लुक भी वैसे ही प्यारा सा था। और क्योंकि मैंने इसकी अच्छे से क्रम कोटिंग सब कुछ की थी देखिए साइड से थोड़ा सा दिख रहा था हमारा जो बेस उसको भी मैं थोड़ी सी क्रीम लगाई मैंने और फर्स्ट क्रम की हेल्प फाइनल फिनिश दे देंगे पैलेट नाइफ को एकदम हल्के से पर को तो एक पर टच करना है और हमारा टेबल को रोटेट 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 करना है। अब देखिए हमारा फिनिशिंग तो हो गया है अब इसको हम करेंगे ट्रांसफ़र देखने कितना जाएगा ट्रांसफ़र तो मुझे मज़ा लगा इसे ट्रांसफ़र करने में। अब देखिए और मैंने इस केक का कलर मैंने डालने का सोचा कि लाइट डार्क पर ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगा ये हो गया फटाक ट्रांसफ़र तो भी कलर बहुत अच्छा लगा उन्हें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था मैंने रिव्यू लगे या है आप ज़रूर के जाना बहुत ही अच्छा है। और ये मसला हो गया जो मैंने पर नेम लिखा था वो मेरा हो गया था और मतलब जो ऑफ थी इसलिए वो इस वीडियो हो बन नहीं पाई। खैर इसने कुछ बड़ा काम तो कुछ किया मैंने बस फ्लावर्स बनाए छोटे छोटे से और हैप्पी बर्थडे चिट चैट लिख दिया है। तो देखिए फिर इसके बाद मैंने जो ग्रीन कलर क्रीम थी ना मैंने फ्लावर्स पे लगा दी उससे इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा था। और जो अल्फ़ाबेट थे ना हमारे हैप्पी बर्थडे के और जो उनके नेम के तो उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नर पर साइड पर इधर उधर थोड़ा सा डॉट्स लगा दिए थे उससे ना केक का लुक और भी अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा थोड़ा सा स्प्रिंकल यूज़ कर लूँ फिर
नहीं ज़्यादा गुचुम पुचुम हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट को ऐसे सिंपल सोबर वाला केक चाहिए था। और ये देखिए मैं अब देख रही हूँ, एक फ्लावर्स पे तो मैंने ग्रीन डॉट लगाया ही नहीं, उस टाइम तो देखा ही नहीं मैंने, अब देखा है मैंने आपके साथ वीडियो में। और ये देखिए हमारे मैंने कर दिया इस पर सिल्वर डस्ट स्प्रे, और हमारे केक का लुक डेकोरेशन सब कुछ रेडी है। और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर देना, क्योंकि और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो होने वाली है अपलोड, तो कहीं वो मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। लाइक करना तो वो आपकी मर्जी, कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। और बारी आती है हमारे रिव्यू की, रिव्यू बहुत ही अच्छा था, आप खुद पढ़ना। और इसके बाद ही सही में कुछ ज़्यादा ही क्यूट नहीं लगता है कि ये बेंटो केक का, क्योंकि बेंटो केक तो छोटा सा होता है, वो हम पाव केजी के बेस से बना सकते हैं, पर वो तो ऑर्डर आते ही नहीं पाव केजी के, पाव केजी में आता है बेंटो केक। और ये रिव्यू देखिए, उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं इतना अच्छा बनाऊंगी, और देखिए कितना अच्छा बन गया है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही फुल वॉच करते रहिए, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करके बताना इस केक का लुक डेकोरेशन सब कुछ आपको कैसा लगा, रिव्यू पढ़कर आपको आया रहे ना मज़ा। और ये देखिए जो है ना, ये क्लाइंट मेरी, इनका हमेशा ऑर्डर रहता है, रेगुलर है क्लाइंट।